आ जाओ अन्नू, राम राम बेटा, गुरमीत सिंह आ जाओ जल्दी सारे के सारे, और इसको अपने ग्रुपों में शेयर करें। आज की बहुत अच्छी खबर देता हूं आपको, सुबह से ही मैं विचार था कि मेरा मैं आपको अच्छी सी खबर दूं, लेकिन सारा दिन सोचा कि सारा दिन की कट्ठी दे। सोनू कुमार इंद्राज, दलवीर फोगाट, जतिन रेडू, दीप संधु, हाँ जी संधु साहब क्या हाल है, जसवीर राम राम जी, अनूप बडाला राम राम भाई, अजय गहलोत, प्रमोद लोहान जी राम राम, राम राम भैया, राजपाल चहल, कुलदीप बहादुर, कृष्ण गोदारा, दीप संधु, राम राम जी, विजय कश्यप, प्रवीण दीवान, प्रगट सिंह, तवर साहब राम राम, राजेश, इनको ग्रुपों में शेयर करो भाई साहब, जितने भी हैं आप 8-8, 10-10 ग्रुपों में शेयर करो, ताकि हमारे भारत के किसान का बच्चा लूटने से बच सके। अच्छी अच्छी खबरें हैं, आज की भी बहुत अच्छी खबर है, क्यों ना अपने भाइयों तक पहुंचाई जाए, धर्मवीर अहलावत। और मेरे पास तो आप ही एक जरिया है, कुलदीप, रामेश्वर दास, प्रवीण कुमार सागर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। भाइयों, बड़ी खुशखबरी आपको मैं आज की दूं, पिछले 4-5 दिन से, कल का दिन छोड़ के कल हमारा किसी भी बच्चे का कोई भी इंटरव्यू नहीं था, जिसकी वजह से हम आपको नहीं बता पाए, क्योंकि इंटरव्यू था ही नहीं किसी का। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे बच्चे का इंटरव्यू ना हो और उसमें हम कामयाब ना हो। आज भी हम कामयाब हुए हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं हमारे भाइयों को मैं बताऊं, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने से ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि हमारे ऑफिस से पहले ही बार, जैसे अब मैंने बताया कि पहले ही दिन आज से 5 दिन पहले कि एक बच्चे का इंटरव्यू था, मतलब इंडिया में आने के बाद, ये ऑफिस सब शुरू करने के बाद एक ही दिन में, पहले ही दिन एक हमारा इंटरव्यू था और उसी दिन हम कामयाब हुए थे। उससे अगले दिन भी इंटरव्यू था, उसमें हमारे 4 वीजा लगे थे, उसके बाद फिर इंटरव्यू था, उसमें हमारे 3 वीजा लगे, और आज भी हमारा इंटरव्यू था, हमारे बच्चों का 4 वीजा हमारे आज भी लगे, जिसमें नारनौंद ऑफिस से भी लगे, जींद ऑफिस से भी लगा, कैथल ऑफिस से भी लगे, पुंडरी ऑफिस से भी लगे। तो कहने का मतलब है कि अब हम कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हुए। तो जो बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं, और बहुत से लोगों के मन में संशय था कि 6 लाख रुपए में नहीं जा सकते, अभी तक भी कोई एक आदमी चैलेंज करता हूं कि 70-75 हजार रुपए ऊपर नीचे की तो कोई बात नहीं कि आपके इतने पैसे में अमेरिका का वीजा लगाए, तो ये किस बात के 30 लाख रुपए लेते हैं, 25 लाख रुपए लेते हैं, आपको इनसे पूछना चाहिए। और साथियों, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा किसान और मजदूर का बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि यहां नौकरियां बहुत कम हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये हम काम करें, और हमने इसके ऊपर काम किया, और काम ही नहीं किया, हम इसमें सफल भी हुए। और साथियों, आप इस चीज को फैला करके पूरे भारतवर्ष में ऐसे किसान और मजदूर परिवार का फायदा आप लोग भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में भी है, क्योंकि आपके पास ग्रुप भी है। और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप इसको पूरे भारत के कोने कोने तक फैलाने के लिए मेरा साथ दें। और साथियों, हमने ये हिसार में भी एक ऑफिस किया है,
अभी 20-25 दिन पहले स्टार्ट किया था, बहुत से लोगों ने कहा कि हिसार में आपका ऑफिस है क्या। हमारा हिसार में ऑफिस है, सत्यवान जी हमारे भाई यहां बैठते हैं और इनका टेलीफोन नंबर भी मैंने बता के, राजस्थान के लोग भी अगर यहां आना चाहते हैं तो राजस्थान में अभी हमने शुरू नहीं किया, सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ में हमारा शुरू है, तो वो लोग भी हिसार में आके अपना ये बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा काम केवल मात्र आपकी सेवा करना है, आपका लूटा हुआ पैसा या कोई लूटने की कोशिश करे उसको बचाने का प्रयास करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को हम सभी पालन कर रहे हैं। और हमारे जितने 38 ऑफिस हैं ये सारे के सारे इसी चीज पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारे किसान और मजदूर परिवार का जो कुंबा है वो गरीब परिवार का कुंबा है, इसको हम कामयाब करें। और सारे के सारे भाई इसमें हमारी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं और आपको ताकतवर बनाने के लिए इन सभी भाइयों ने अपना वचनबद्ध है और आपकी तरफ देख रहे हैं और आप इसको आगे बढ़ाना ताकि हमारा बच्चा कामयाब हो। और देखिए आपके आगे मैं लाइव आगे कह रहा हूं कि हर रोज हमारे वीजा लग रहे, तो आपको बड़ी खुशी की बात है कि 70,000 रुपए में वीजा मिल रहा है भाई, तो आपको 25 और 30 लाख रुपए क्यों लगाने। तो इसलिए हर भाई को मैं आग्रह करूंगा कि आप जितने भी भाई हैं, जिस भी भाई की I-20 जो आ चुके हैं उनकी अपडेट लेनी शुरू हो गई है और जो भाई +2 कर गया या BA कर गया या MA कर गया, अगर वो IELTS कर रखी है या उसने PT कर रखी, ड्यूलिंगो कर रखी है, तो आप हमारे जितने भी ऑफिस हैं इन सब में जाइए और हिसार के बच्चे हमारे हिसार में आइए। ये कैमरी रोड पे ऑफिस है एक तो, और बहुत ही खुले में बड़ा अच्छा वातावरण है, यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका नहीं है, आप बहुत प्यार से आपके शहर में, बहुत बढ़िया अच्छा बड़ा शहर भी है ये। इस शहर में भी बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे को अमेरिका में मिले थे कि कुछ बच्चों का नुकसान कर रखा था इन भाइयों ने, कई भाइयों ने, एक लड़की मिली थी मुझे कैथल की और वो हिसार से उसने अपनी फाइल लगवाई थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस बच्ची का इसलिए रिफ्यूजल आया कि वो MA साइकोलॉजी की थी और उसने बैचलर डिग्री में उसका एडमिशन करवा दिया और जैसे ही पहले ही दिन वो गई बच्ची, तो उसका पहले दिन इसलिए रिफ्यूजल आया कि वो बैचलर डिग्री में क्यों जा रही है जबकि आप मास्टर डिग्री कर चुके हो, इस बात का जवाब नहीं था। तो ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इन लोगों से बचना है आप लोगों ने, और उसी लड़की को अब हमने दोबारा से एडमिशन करवाया है और लीगल तरीके से उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आपका तरीका वो ये है। और अब समझाने की कोशिश ही नहीं, हमारे पास एक पढ़ी लिखी टीम है और हिसार में भी हमारे जो ऑफिस है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपके लिए सेवा में हम 24 घंटे तैयार हैं। और भाइयों अब आपको कोई कहने वाला नहीं है कि इनके वीजा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हमारे हर रोज वीजा लग रहे, तो इसलिए अभी तो शुरुआत है, अभी देखना। बहुत लोग तो ये भी देख रहे हैं, जब आए थे तो तब कह रहे थे एडमिशन नहीं होगा, फिर कहना शुरू किया कि इनको डेट नहीं मिलेगी, फिर कहना शुरू किया कि वीजा नहीं लगेंगे, अब वीजा भी मिल रहे हैं और सारी चीज और अच्छे मिल रहे हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें अभी तक तो हम मेरे हिसाब से 60% के आसपास है, 60% से ज्यादा बेसों को, लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़ा सा लंबा टाइम है हमारे वीजा बहुत लगने। तो साथियों कम पैसे में हमारे जो ये ऑफिस है इन ऑफिसों में जाइए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ना पंजाब में जाना, ना चंडीगढ़ जाना, ना दिल्ली जाना, आपकी पहुंच में है ये सारे ऑफिस। तो आप इन ऑफिसों में जाके अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, अपने बहन बेटी का भविष्य बनाइए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ फिर से एक बात बोलूंगा कि हमारे अमेरिका के वीजा 70,000 रुपए में लगे और 6 लाख के आसपास ये सारा खर्चा आएगा, तो भाइयों अब अपने बच्चों को यहां भेजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी बैन कर दिया और कनाडा में जो अभी लगना है जो स्टडी वीजा है वो मई 2024 में एडमिशन हो रहे, तो आप अभी चल रहा है एडमिशन, सितंबर इनटेक में आप एडमिशन के लिए आइए, हिसार आइए, जितने ऑफिस आपके नजदीक है उनमें जाइए आपकी मर्जी, और आप इनका आनंद ले, कम पैसे का आनंद ले, बच्चों को कामयाब करें, किसान और मजदूर परिवार को कामयाब करना ही हमारा ध्येय है। तो आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय।